गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं श्रीराम माइनिंग स्टडी चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो कल के वीडियो के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल के वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए शायद साउंड अच्छे से नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन का पूरा फुल वॉल्यूम कर लेना तो अच्छे से आपको सुनाई देगा, नहीं तो अपने फ़ोन में जो ईयरफोन या अपना ईयर कॉर्ड यूज़ कर लेना तो अच्छे से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप जो भी नए हैं और मैं किस वीडियो के बारे में बात करना ऐसी डाउट में है, तो मैंने कल एक ड्रैगलाइन के ऊपर वीडियो बनाया था। जिस तरह से आपने कमेंट किया था कि ड्रैगलाइन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने उस वीडियो को बनाया था। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो, ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इसी तरह मैं रेगुलरली वीडियो बनाते रहूँगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसके और बेल आइकन को भी दबा देना, जिसके वजह से मैं जो न्यू वीडियोस मैं बना के लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो बिना देरी करते हुए आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने परसों शायद एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल के बारे में, तो व्हाट आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल, तो आज उसका सेकेंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, दोज इज ड्रिल बिट्स एंड ड्रिल रॉड्स। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो खास करके हम इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल के ऊपर हम पे डिस्कस कर रहे थे, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ द कोल ड्रिल, तो अभी हम डिस्कस करेंगे द ड्रिल रॉड्स एंड द ड्रिल बिट्स। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में क्या क्या डिस्कस किए थे कि किस तरह का टाइप्स होता है और क्या क्या उसका बेसिक कंपोनेंट्स होता है, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिस्कस किए थे। देन उसका कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो कि शॉर्ट नोट्स होता है मैंने प्रोवाइड किया था। अगर आप उस वीडियो में नहीं पाए हो तो इसमें आप पॉज करके इस नोट्स को आप डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ड्रिल रॉड्स एंड द ड्रिल बिट्स। इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल द मशीन, ये वाला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल। तो ये तो मेन पार्ट है हमारा मशीन, लेकिन जिसके सहायता से ये ड्रिल करता है रॉक के अंदर या कोल के अंदर, तो ये होता है उसका ड्रिल रॉड। इसको बोलते हैं हम ड्रिल रॉड। और यहाँ पे जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हो जो कि ड्रिल बीट हम इसको कहते हैं, ओके। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे हम दो तरह के ये जो दोनों ड्राइंग देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ड्रिल रॉड्स। ये दो ड्रिल रॉड्स काफ़ी वक्त तक दो तरह के होते हैं, एक होता है डायमंड शेप, दूसरा होता है टर्बाइन शेप। जो डायमंड शेप ड्रिल होता है, ये वाला जो ड्रिल रॉड होता है, इसको खास तौर पे कोल माइंस में हम यूज़ करते हैं। जो अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम ड्रिल करने के लिए खास तौर पे हम कोल माइंस के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला जो टर्बाइन ड्रिल रॉड होता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं जो स्टोन का माइंस रहता है, जिसे हम स्टोन्स निकालते हैं, तो उसमें हम टर्बाइन ड्रिल रॉड का इस्तेमाल करते हैं। देन ये जो तीनों देख रहे हो 1, 2, 3, ये जो तीनों डायग्राम है आपके सामने, इसको बोलते हैं हम ड्रिल बिट्स। तो एक होता है एसेंट्रिक टाइप, एक होता है कंसेंट्रिक टाइप, एक होता है वी टाइप। तो इसका ड्रिल बिट का थोड़ा बहुत क्राइटेरिया का है। देन अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ड्रिल रॉड एंड द ड्रिल बिट्स के ऊपर। तो ये जो ड्रिल बिट आप देख रहे हो, तो ये क्या होता है, इसको माउंट किया जाता है इस ड्रिल रॉड के साथ। तो इसके ऊपर देखो, ये वाला जो पोर्शन है आपके सामने, इसको क्या किया जाता है ना, टॉंगस्टन कार्बाइड के थ्रू इसको प्रलेप दिया जाता है, इसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है। दिस वन इज द टॉंगस्टन कार्बाइड। यहाँ पर भी इस तरफ भी इसका टिप के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का चढ़ाया जाता है, और इसको बोलते हैं हम एसेंट्रिक ड्रिल बिट।
दिस वन इज द एसेंट्रिक ड्रिल बिट। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो ड्रिल बिट होता है इसको ड्रिल रॉड के साथ माउंट किया जाता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इस ड्रिल बिट को ड्रिल रॉड को रॉड के साथ किस तरह से जॉइंट किया जाता है। तो ख़ास तौर पे हमारा जो ड्रिल बिट होता है, जो ड्रिल बिट होता है हमारा, उसको वायर नेल के थ्रू, वायर नेल, नेल यानी जो कांटा आप जानते हो नेल, तो उस जगह वायर नेल का इस्तेमाल होता है, जो जो कांट में वायर लगा हुआ रहता है। अगर आप वो वाला समझ नहीं पा रहे हो वायर नेल क्या है, मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा कि एक्चुअल में किस तरह से इसको माउंट किया जाता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से ये याद रखो कि ड्रिल बिट को ड्रिल रॉड के साथ अटैच करने के लिए वायर नेल का, वायर नेल का इस्तेमाल होता है, राइट। देन उसके बाद क्या होता है, और ड्रिल रॉड को ड्रिल चोक के साथ, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं चोक। इस ड्रिल रॉड को ड्रिल चोक के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द बायोनेट जॉइंट। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बायोनेट, बायोनेट जॉइंट। तो इस तरह का दो कॉम्बिनेशन रहता है, एक रहता है ड्रिल बिट विथ ड्रिल रॉड, देन ड्रिल रॉड विथ ड्रिल चोक। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक ड्रिल मशीन, एक इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल काम करता है। तो अभी और एक बात यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। तो मैंने बताया था कि हर एक मशीन गियर के साथ माउंट होता है। तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स होता है इसका काम होता है बेसिकली ड्रिल रॉड को चेंज करने के लिए, ये जो ड्रिल रॉड होता है इसको चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट होता है टू चेंज द ड्रिल रॉड, देन सेकेंड पॉइंट होता है हमारा टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मशीन, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक कोल्ड ड्रिल। मैं स्पीड लिख देता हूँ, आप अच्छे समझ जाओगे। देन थर्ड पॉइंट बोलता है कि इसका जो स्पीड होता है, इसका जो स्पीड होता है ये रहता है 250 rpm, 250 rpm। तो अभी जो मैंने आपको बताया तो ये था कुछ हमारा ड्रिल रॉड का स्पेसिफिकेशन। अभी मैं बताने जा रहा हूँ हमारा ड्रिल बिट का कुछ स्पेसिफिकेशन। तो ख़ास तौर पे जो एसेंट्रिक ड्रिल बिट होता है तो इसको हम कोल माइंस में यूज करते हैं, ख़ास तौर पे कोल माइंस में यूज होता है। देन द रेट ऑफ पेनिट्रेशन, रेट ऑफ पेनिट्रेशन मतलब जो होल करने की तकनीक और उसके ऊपर जो फोर्स डालना होता है, द रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रिल बिट इज़ अबाउट 1.5 meters per minute। तो ये क्या करता है ना, एक मिनट में, शायद आपको अच्छे से दिख ना रहा हो, तो अभी देखो पहला पॉइंट ये होता है द रेट ऑफ पेनिट्रेट, द रेट ऑफ पेनिट्रेट मतलब जो ड्रिल करता है तो वो वन मिनट में, एक मिनट में 1.5 meters गहराई तक ड्रिल कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि एक ड्रिल बिट, एक ड्रिल बिट कम से कम 80 होल्स कर सकता है एट ए टाइम। 80 होल्स मीन्स ये जो ड्रिल बिट रहता है उसका भी थ्रेड रहता है और होल करने की कैपेसिटी रहता है। जिस तरह के हम कटिंग करने के लिए जो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक कट करने से
काफ़ी सारे कट करने के बाद वो ड्रिल वो फ्लेट का जो एज होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा ड्रिल बिट भी उसका कोई लाइफ रहता है। तो इसलिए ये कम से कम 80 होल्स, इट्स अबाउट 80 होल्स कर सकता है। कितना मीटर डेप्थ में? 1.5 मीटर डेप्थ। जो जो एक एक होल करेगा उसका डेप्थ रहेगा 1.5 मीटर तक एक ड्रिल बिट होल कर सकता है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल बिट का स्पेसिफिकेशन, इस तरफ रहा इलेक्ट्रिक ड्रिल बिट का। और ये जो स्पेसिफिकेशन बताया कि चेंज ऑफ द बॉक्स, गियर बॉक्स का स्पेसिफिकेशन, ये हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल रॉड का है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्रिल बिट और ड्रिल रॉड को कनेक्ट करने के लिए जो वायर नेल का इस्तेमाल होता है किस तरह का होता है। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ड्रिल रॉड। ठीक है, ये जो मशीन है यहाँ पे, ये एक्चुअल में ये एक यूनिवर्सल ड्रिल मशीन है जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं UDL। और UDL के साथ ये ड्रिल रॉड है, उसके साथ इनके हाथ में देखो जो ड्रिल बिट लगाने के लिए एक वायर नेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इरेज कर देता हूँ, प्ले कर देता हूँ। देखो किस तरह से ये लगा ड्रिल बिट यहाँ पे, और ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम वायर नेल। बस इसको ट्विस्ट करवा देते हैं इस तरह से, जिसके वजह से ड्रिल बिट यहाँ पे इस रॉड के साथ फिक्स हो जाता है। देखा, इसको बोलते हैं हम वायर नेल। अभी थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, देखो किस तरह से होल कर रहा है। ये है जो मैं बोल रहा था UDL मशीन, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन, राइट। अभी यहाँ पे देखो, ये तो स्टोइंग का काम चल रहा था। अभी देखो ड्रिलिंग, जो ब्लास्टिंग के लिए हम खास करके हम इलेक्ट्रिक कोल ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसमें देखो ये जो यहाँ पे ये माइनस में पकड़ा है, ये है हमारा ड्रिल रॉड, टोटल ड्रिल रॉड। और यहाँ पे है उनका ड्रिलिंग मशीन, जिसके थ्रू इसको दो हैंडल ग्रिप के साथ पकड़ के ड्रिल कर रहे हैं। देखो किस तरह से ड्रिल हो रहा है। देखो इस ये वाला जो होता है, ये है हमारा मशीन। इसी तरह से ये कनेक्टेड होके रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको, मैंने क्या क्या डिस्कस किया। तो आज सिर्फ ड्रिल रॉड्स और ड्रिल बिट्स के बारे में जाने। तो आज का वीडियो इतना में एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।